हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मित्र राजस्थान हेल्प यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाना सिखाएंगे। इसका हमने पहले वीडियो डाल दिया है, लेकिन अब जो कंप्लीट पोर्टल चेंज हो गया है तो कुछ राज्यों के लिए पोर्टल अलग आया। अगर आप राजस्थान से हैं, अब अगर आप इस टाइम वोटर आईडी बनाने जाओगे या करेक्शन करने जाओगे तो आपको वहाँ पर राजस्थान का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगर आपका भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि कैसे आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाना है। इसका कंप्लीट पोर्टल अलग आ चुका है, तो कैसे उस पोर्टल में जाना है, कैसे उसमें लॉगिन करना है और कैसे आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करनी है, तो इसका वीडियो कंप्लीट, इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है आपको। कहीं भी इसको स्किप नहीं करना ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि इसके अंदर पहले अलग तरीके से बनता था, अब बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो गया है पोर्टल। तो आपको कैसे वोटर आईडी बनाना है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसमें टोटल 11 राज्य शामिल है, तो इसकी इमेज आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी किधर भी, तो आप इसमें चेक कर लें कि किन किन राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। तो अगर आप भी इन राज्य से हैं, आप वोटर आईडी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को फॉलो करें, हम आपको इसमें कंप्लीट बताएंगे कि कैसे आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं कैसे आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड बनाना है। सबसे पहले आपको ब्राउजर में वोटर आईडी लिख के सर्च करना है। वोटर आईडी लिखने के बाद आपके ऊपर जो सबसे टॉप पे आपको वेबसाइट मिलेगी उस पर चले जाना। पहले भी हम इसी वेबसाइट पर बनाते थे, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर 11 राज्य, टोटल 11 राज्य लिखे जिनके लिए अलग पोर्टल बनाया गया है, जिसके अंदर राजस्थान भी शामिल है। तो अगर आपका भी राज्य इन राज्यों में से किसी कोई एक आता है तो आप इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास सामने न्यू विंडो आ जाएगी, फिर आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जो आपके पहले जो इसमें आईडी थी वही सेम आईडी यहाँ पे भी मान्य होगी, तो यहाँ पे वो सेम मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपके पुराने वाली साइट पर थे वही आपको सेम इसमें डालने हैं। बस इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आपको कैप्चा फिल करने के बाद पहले वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई होगा तभी आप लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉगिन हाईलाइट नहीं है, तो आप वेरीफाई करें। यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आप चाहो तो पासवर्ड सेव भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर जो फॉरम 6A लिखा हुआ है, पहले हम इसे यहाँ पर क्लिक करके फॉरम भरते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको PDF मिलेगा। तो फॉरम भरने के लिए आपको फॉरम्स पे क्लिक करना है, तो ये फॉरम्स आएगा, फिर यहाँ पे आपको जो पहले भरा हुआ है, तो जब अब हम तो कंप्लीट न्यू बना रहे हैं तो हमको फॉरम 6A न्यू रजिस्टर इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको ये देख लें कि यहाँ पर आपको राज्य सिलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट। तो ये कम्प्लीट चेंज हो गया पोर्टल, पहले ऐसा नहीं आता था, तो इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक बढ़ते जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे वाली जो हाईलाइट होगी चीज़ें और राइट से यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है टिक आ गया है एक पे, क्योंकि मैंने एक पे कंप्लीट कर दिया। तो ABCD ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर कॉलम्स है इसके अंदर जिसको आपको भरना है। यहाँ पर आपको फोटो को क्रॉप करना है, सेम वैसे ही जैसे पहले करते थे वैसे ही क्रॉप करके इसको स्क्रॉल करना है, नीचे सेव का बटन है उस पर क्लिक कर देना है, तो आ जाएगी। तो इसको आपको नाम के साथ सेव करना है, आपके कोई सा भी नाम आपको नाम के साथ सेव करना है। फिर आप यहाँ पे जो रिलेशन है आपके पीछे वोटर आईडी के पीछे किसका नाम चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे हस्बैंड नाम चाहता हूँ, तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे टाइप करूँगा। तो नेम और सरनेम दोनों, अगर नेम है तो नेम ही, सरनेम है तो लिखे, नहीं अगर आधार कार्ड में नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर सेल्फ या रिलेटिव, खुद के तो सेल्फ डालें अन्यथा रिलेटिव के भी डाल सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर आपके पास अगर आधार नंबर है आधार नंबर पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो जो ये आई एम नॉट एबल टू फिनिश माई आधार इस पे क्लिक करें। वैसे तो सबके पास आधार नंबर होते हैं, आजकल आधार नंबर मैंडेटरी हो गए हैं, तो आपके पास भी होंगे, तो आधार नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, वैसे तो हम जो भी नाम डालेंगे उसके आधार पर एक ही अलर्ट हो रहा है इस पर। तो फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, फिर डॉक्यूमेंट्स डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। तो उसके अंदर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसके अनुसार आपको इसमें अपलोड करना है। तो मैं इसमें आधार कार्ड करूँगा, इसमें आप देख लें अगर आपके पास आधार कार्ड के अलावा कोई ऑप्शन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर ब्राउज करें, इस पर क्लिक करना है। इससे पहले आपको आधार कार्ड को स्कैन करवा लेना है PDF फॉर्मेट के अंदर, तो मैं पहले स्कैन करवा लेता हूँ। तो मेरा स्कैन हो रहा है, जब तक आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। PDF स्कैन होने के बाद आपको अपलोड करवाना, तो मैं आधार कार्ड स्कैन हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर मैं इसमें ओपन करूँगा, फिर नीचे जो ये नेक्स्ट का बटन हाईलाइट हो जाएगा इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालना है, जो भी आधार कार्ड के पीछे जो भी एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आप इसमें फिलअप करें। मैं फटाफट से एड्रेस फिलअप कर देता हूँ। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, राज्य ऑटोमेटिक आ जाएगा इसके अंदर। फिर आपको जो एड्रेस है उसका प्रूफ डालना होगा कि आपके पास एड्रेस का क्या प्रूफ है, तो मैं इसमें भी आधार कार्ड ही अपलोड करूँगा। तो आधार कार्ड अपलोड करके यहाँ पे नेक्स्ट, फिर आप वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
अगर आप इसमें आई कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी लिखी हुई है इसके अंदर, ये ऑप्शनल है। अगर आप किस कहीं से भी विकलांग है तो आपको यहाँ पे अपने विकलांगता का भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, ये अन्यथा ये ऑप्शनल है। अगर आप विकलांग नहीं है तो इसको भरने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप हो तो ही भरना है, अन्यथा इसको नहीं भरना है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसको भर भी सकते हैं नहीं भी भर सकते हैं, तो आपको देख लेना है। अगर आप विकलांग है कितने परसेंट है सब इसमें डिटेल भरनी होगी अगर आप है विकलांग। तो फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है भर के, फिर आपको यहाँ पे नेम ऑफ फैमिली मेम्बर में अगर आप किस जिसका भी वोटर आईडी बनाने हैं उसके रिलेटिव का आपको वोटर आईडी नंबर इसमें डालना होगा, तभी ये आगे पहचान पत्र जो भी बनाते हैं वो जारी करेंगे। तो मैं इसमें हस्बैंड डाल देता हूँ कि मैं इसके अंदर जो किसी लेडीज़ का बना रहा हूँ तो उसका हस्बैंड का नाम इसमें डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद जो भी उसका नाम है वोटर आईडी में वो नाम डालना है और उसके वोटर आईडी नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको ये विलेज लिखना है कि आप किस विलेज से बना रहे हैं, मतलब कहाँ से बना रहे हैं वहाँ का लिखना है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जहाँ का भी आप बना रहे हैं वोटर आईडी वो कितने सालों से यहाँ पे रह रहा है। तो ये अभी नई शादी करके आए हैं यहाँ पे, तो इनका जो भी जब भी ये आए हैं पिपला जो ये गांव है उसके अंदर, तो वो आपको डेट डालनी है इसके अंदर। डेट डालने के बाद आपको नीचे फिर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद प्लेस के अंदर जहाँ से भी आप वोटर आईडी बना रहे हैं वो प्लेस डाल देना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इससे पहले आपको डिटेल चेक कर लेनी है कि जो भी आपने डिटेल भरी है वो सही है या नहीं है। तो फिर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। इससे पहले आप चेक कर लें, वैसे तो लेफ्ट साइड में सब पे टिक आ गया है कि मतलब मैंने जो भी डिटेल भरी है वो सब सही है, तो आपको चेक कर लेना। अगर इसमें आपका टिक नहीं आ रहा तो मतलब कि वो आपने सही से फिलअप नहीं किया, तो आपको चेक करना है, फिर भरना है, फिर बाद में सेव करना है। फिर आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस फॉर्म, तो यस मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो ये नीचे सेव लिखा हुआ आ गया है। फिर आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है और आप चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे प्रिंट नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें पेज भी काफ़ी हैं, तो 7 पेज आएंगे इसके अंदर अगर आप इसको प्रिंट करने जाओगे तो। सेव करना चाहो तो कर सकते हो। नीचे देख सकते हैं इसमें 7 पेज आ रहे हैं, तो इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वापस से यस पे क्लिक करना है, तो आपका ये कंप्लीट सेव हो जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये ऊपर आपका जो नंबर आ जाएगा इसके माध्यम से आप इसको ट्रैक कर पाओगे कि आपका वोटर आईडी बना है या नहीं बना है, कहाँ कहाँ पर पहुँचा है, वो सब इसके अंदर बताया जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि हम ऐसे मोटिवेट होते रहें और आपके लिए न्यू वीडियो लाते रहें। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप मिस ना करें।